बंगाल के डॉक्टर के समर्थन में उतरे गया स्थित अनवर नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर। डॉक्टरों ने ओपीडी को किया ठप। मगध मेडिकल के डॉक्टरों ने हाथ और सिर पर पट्टी बांधकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हम लोग नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन बिहार यूनिट के तरफ से इस मुश्किल भरी घड़ी में अपने सारे डॉक्टर भाइयों के साथ हैं, जो उनके साथ NRS मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसकी पूरी ANMMCH की डॉक्टर टीम और NMO यूनिट कड़ी निंदा करती है। बंगाल की जो घटना हुई है चिकित्सकों पर वो बहुत शर्मनाक है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सक गरीब मरीजों की सेवा करते रहते हैं और सेवा करते समय उन पर इस तरह का अत्याचार किया गया है डॉक्टरों पर, तो इस सरकार को रोकना चाहिए। जूनियर डॉक्टर हंगामा तो नहीं किया, 11:30 बजे तक हम लोग OPD चलवाए, लेकिन फिर 11:30 बजे के बाद ये लोग हट गया OPD से। तो सीनियर डॉक्टर कुछ काम करते रहे, वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, इमरजेंसी चालू रहा, हम लोग खुद घूम के देख रहे थे। हम लोग नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग DM को बोल दिए हैं, अपने प्रधान सचिव को भी इन्फॉर्म कर दिए हैं, और कि यहाँ दिन भर का स्ट्राइक किया है, 11:30 बजे से वास्तव में हुआ और शाम को ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी कोई दिक्कत का बात नहीं। उसे हम CS को भी बोल दिए, सिविल सर्जन गया को बोल दिए थे सुबह में। जिला परिषद सभागार में नए राशन कार्ड का वितरण को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मौके पर गैर शहरी क्षेत्र के कुल 2600 लाभुकों के बीच नए राशन कार्ड का किया गया वितरण। देखिए, ये काफ़ी दिन से प्रस्तावित था, इलेक्शन के कारणों से हम लोग इसको आगे नहीं ले जा पाए थे। अभी पूरे जिला में कैंप के मोड़ में अगले एक महीना में जो हम लोगों का 60,000 से 70,000 का कोटा बच रहा है, उन सभी राशन कार्ड लाभार्थियों को इस तरह का ब्लॉक स्तर पर वितरित किया जाएगा। और प्रयास ये है कि हमारे महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े जातियों के जो लोग पात्र लाभुक हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके। सदर अनुमंडल प्रखंड में, सदर अनुमंडल में क्षेत्र में लगभग 10,600 राशन कार्ड बन के तैयार है, और हम आज से राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना हम लोग शुरू किए हैं। जितने भी पात्र लाभुक हैं उनको राशन कार्ड जो है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जो लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है उनका प्रोसेस में है, उनके भी बनाने के बाद उनको राशन कार्ड भी करा दिया। एक ओर जहां पानी की किल्लत से पूरा गया शहर त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर पानी सप्लाई पाइप के कई स्थानों पर फटे रहने के कारण बहकर बर्बाद हो रहा है पानी। गया के माणकपुर बाईपास के पास फटे पाइप में बहते पानी की सूझ लेने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। गया के पानी की बर्बादी ही बन रही है पेयजल संकट का मुख्य कारण। 15 दिन से पानी बह रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो दुकान के सामने है, पूरा पानी है और बहता है, सुबह तो और स्पीड हो जाता है, इतना स्पीड रहता है और पब्लिक को तो पानी मिल नहीं रहा, और यहाँ इतना बर्बाद हो रहा है कि उसका कोई सुनवाई नहीं है, और आ रहा है डेली देख रहा है और जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। 3 दिन पहले इसका कंप्लेंट जा चुका है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, पेपर में भी आ गया, मीडिया वाला भी लेकर के गया, पर कोई सुनवाई नहीं है। गया के विष्णुपद थाना में बीती रात में महिलाओं और पुरुष ने पेयजल को छुड़ाने को लेकर किया हंगामा। वही हंगामे के बाद थाना अध्यक्ष के थाना पहुंचने पर तीनों मजदूरों को पुलिस ने छोड़ा। सवेरे उठता था, मतलब ठेकेदार है, बुलाता था मतलब कि काम कराने के लिए, सवेरे पर सूतल था, सवेरे पर आया, उसको लाया बुला के धोखा दो के मैं ठेकेदार भी जानता था कि मतलब ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को जानकारी नहीं दिया, अब भेज दिया इन लोग के, और वहाँ से धोखा से बोला मारो भी किया, मार के वहाँ पकड़वा के रोक चोरी के इल्जाम लगाए। 3 महीना पहले कैसी हुआ चोरी हुआ, आपका क्या मांग है? हमको मांग नहीं है कुछ, हमको छोड़ा दीजिए। जी कहा, और इसको जिनके घर में चोरी हुआ है इसके बगल में 3 महीना पहले ये लोग काम किया था, और चोरी 10 दिन पहले हुई, और इसको धोखे से बुला कर कि हम पूछताछ करेंगे, और बुलाने के बाद थाना को सुपुर्द कर दिया गया। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ थाना का चक्कर लगा रहे हैं, बड़ा बाबू से निवेदन कर रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि जो महिलाएं सब हमारे गांव की हैं और किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है गाँव में या टोला में मोहल्ला में कोई चोर है।
के मानपुर स्थित पटवाटोली में एक बार फिर मनाया गया जश्न। पटवाटोली के छात्रों ने पूरे देश में मानपुर पटवाटोली और गया जिले का नाम किया रोशन। मानपुर पटवाटोली में पावर लूम मशीन की खड़गड़ाहट के बीच छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा में अर्जित की सफलता। इस बार मानपुर पटवाटोली के 16 छात्रों ने जेईई मेंस में कामयाबी के लहराया। मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और ऐसे पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। जहाँ पर मेरा कंसेप्ट कमज़ोर था मैं उसे बार बार लिखा। और ये मेहनत ही है जो मुझे सफल दिलाया। मुझे लगता है कि बहुत श्रेय किन को देना चाहूँगा? श्रेय मैं मेरे परिवार को, अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को भी देना चाहता हूँ। क्योंकि कभी भी डिस्ट्रैक्शन होता था तो परिवार दोस्त ही जो रहते थे, जो मोटिवेट करते थे, सहायता करते थे। मतलब ये 2 साल या जो IIT का जो तैयारी होता है उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है, लोग डिमोरलाइज भी होते हैं। तो मैं हर किसी को श्रेय देना चाहता हूँ। कभी कोई मोटिवेट कर देता है, कभी दोस्त कर देते हैं, कभी परिवार कर देते हैं, टीचर्स भी बहुत सहयोग दिए सारा। हमारे प्रिंसिपल भी पूरा मोटिवेट करते थे हमें पढ़ाई के लिए। IIT जे रिजल्ट हुआ इस वर्ष 2019 में, हमारे यहाँ पटवा टोली बुनकर नगरी से लगभग 16 बच्चे पास हुए हैं। सारे बच्चे उनके गार्जियन को हम अपनी ओर से धन्यवाद बधाई देते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत करके इस बुनकर नगरी का नाम IIT का गांव के रूप में विख्यात किए हैं। पिछले वर्ष भी लगभग यही 15 या 16 थे। गया के विष्णुपद स्थित शमशान घाट में पिछले दिनों विक्की कुमार नाम के युवक के साथ नकली खरीदे को लेकर हुई मारपीट मामले में विष्णुपद थाने में केस हुआ दर्ज। वही उपरोक्त मामले में झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए सुजीत कुमार उर्फ तिरेल यादव ने वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया आवेदन। विष्णुपद शमशान घाट के रहने वाला नाटू सिंह उर्फ रंजीत सिंह बहुत पुराना कुख्यात अपराधी है, बहुत पहले जेल भी जा चुका है। और आज से 4-5 महीना पहले उसका बेटा विक्की कुमार भी जेल गया है। मारपीट में रामजी पाड़े के भतीजा के साथ गोली बारूद किया था, जिसमें विष्णुपद प्रभारी उदय सिंह भेजा था जेल। और नाटू सिंह अभी गांजा के मामले में फरार चल रहा है, जो कि उसका फुटेज भी है। वो गांजा विक्रेता था, जो कि विष्णुपद प्रभारी की सूचना मिलने पर वो वहाँ छापेमारी किया, जिसमें नाटू सिंह की दुकान से 1/2 किलो गांजा बरामद हुआ, जो कि दुकान सील हो चुका है। और उसको बार बार कहना है कि ये सूचना हम लोग पुलिस को दिए हैं, ठीक है। इसी को कारण को लेकर बार बार वो हम लोग से लड़ाई करना चाहता है, जबकि हम लोग शमशान घाट में होटल है और उसको कहना यह है कि होटल यहाँ पे यादव का नहीं चलेगा। यही मैटर को लेकर बार बार फंसाता है। और इसी बीच में अभी 12 तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें उसका कहना है कि त्रेल यादव, अमित यादव और राकेश यादव और मुन्ना कुमार, संजय सिंह, ये सब और भी 10 लोग का अज्ञात नाम है, उन लोग आकर मेरे घर पे चढ़ के मारपीट किया, FIR में लिखा है। हजरत अली की 1400 साल पूरे होने पर उनकी शहादत की याद में 16 जून को गया के हसन मोहानी ऑडिटोरियम में संगोष्ठी का किया जाएगा आयोजन। शहीद मेहराब कमेटी एवं अंजुमन इमामिया के तालमेल से 1400 साल याद शहादत के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया जा रहा है आयोजन। सबसे पहली बात तो यह है इस प्रोग्राम के सिलसिले में कि हज़रत अली करमुल्ला वजहो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफेट ऑफ इस्लाम के भाई और उनके उत्तराधिकारी हैं, उनकी शहादत आज से 1400 साल पहले 47 हिजरी में कूफा, जो इराक़ का एक शहर है, उसकी एक मस्जिद में हुई थी। उसी शहादत के 1400 साल याद हम मना रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस गया में शिया समुदाय की पॉपुलेशन तकरीबन 55 घर से ज़्यादा नहीं है, मगर उसके बाद भी हम लोग इतना बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इस प्रोग्राम में सारे मसलक और सारे मज़हब की नुमाइंदगी हम लोगों ने दी है। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किस्तों में
जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामीटोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।